वेलकम टू स्टडी टू क्रैक 247 आप देख रहे हैं आसाम स्टेट का मंथली करंट अफेयर्स आप में से जो जो अपकमिंग आसाम स्टेट का कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप देख रहे हैं जनवरी 2021 का करंट अफेयर्स तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन है आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन का वर्तमान चेयरमैन कौन है इसका सही आंसर है राजीव कुमार बोरावे एक रिटायर्ड आई ऑफिसर है नेक्स्ट वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो वेस्ट बंगाल और आसाम के जो टी वर्कर है उनके वेलफेयर के कारण वन थाउजेंड करोड़ बजट प्रोविज़न रखा वो ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन टी एसोसिएशन नेक्स्ट आसाम असेंबली में एक नया अमेंडमेंट बिल पास हुआ वो बिल के दौरान इन्वेस्टर फ्रेंडली एटमोस्फेयर आसाम में बनाने का कोशिश किया व कमिट किया वो एमेंडमेंट बिल कौन सा है वो अमेन बिल है आसाम ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस अमेंडमेंट बिल 2020 ये आसाम बिजनेस एक्ट 2016 के दौरान ये बिल लाया गया इन्हें उपेंद्र नाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमिटी अवार्ड 2020 मिला वे है प्रोफेसर रामेश सी भरतवाज, वे दिल्ली यूनिवर्सिटी के संस्कृत के एच है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आसाम के जेरेंगे पाता शिव सागर में आसाम पीपल को एक सर्टिफिकेट देते हुए कहा कि ये सर्टिफिकेट उन्हें स्वाभिमान स्वाधीनता और सुरक्षा देगा वो सर्टिफिकेट क्या है वो सर्टिफिकेट है द लैंड ऑनरशिप सर्टिफिकेट आसाम गवर्नमेंट डिसाइड किया कि आसाम गवर्नमेंट एम्प्लॉई को एट्टी थाउजेंड खाली कोर्ट क्लॉथ प्रोवाइड करेंगे देंगे वो कौन से ग्रेड एम्प्लॉय को ये खादी क्लॉथ दिया जाएगा ये है फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉय जो सीवियर कोविड पेशेंट है उन्हें फूड और मेडिसिन डिलीवरी करने के लिए आसाम गवर्नमेंट द्वारा कौन सा मेडिकल इंस्टीट्यूट को दो रोबोट दिया गया वो है आसाम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल डिब्रूगढ़ कि शंकरदेव अवार्ड 2020 मिला वो है बाबा प्रसाद चालिया बाबा प्रसाद चालिया असम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल असम के असम का फर्स्ट हेलीपोर्ट कौन से जगह में इनोग्रेट के बोहे केलिया गांव माजुली डिस्ट्रिक्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा एक प्रोग्राम किया गया है ढेकियाजुली शोतितपुर डिस्ट्रिक्ट असम में उस प्रोग्राम के दौरान स्टेट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को बूस्ट मिलेगा वो कौन सा प्रोग्राम है वो है आसाम मेला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दो मेडिकल कॉलेज का संस्थापन किए जिससे असम का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट मिलेगा वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है वो है विश्वनाथ और चोराइडो कौन सा असम का ट्रांसजेंडर सोसाइटी एक फिल्म बनाया वो कौन सा फिल्म है वो है आमी तृतीय किन्हें मृत्यु उपरांत पद्म विभूषण अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी मिला वो है एक्स चीफ मिनिस्टर तरुण गगोई आसाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा आसाम के हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस कौन है वे है जस्टिस सुधांशु धुलिया रिसेंटली कौन से स्पोर्ट्स पर्सन को असम के कौन से स्पोर्ट्स पर्सन को डीएसपी पद का सम्मान मिला वो है हेमा हिमा दास प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 असम का किन्हें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 मिला वो है तनुज समाधर आसम गवर्नमेंट असम के जो महिला और वरिष्ठ नागरिक है उनको फ्री में बास से सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एक स्कीम लाए वो स्कीम कौन सा है वो है भ्रमण सारथी स्कीम भारत सरकार एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ 120 ट्वेंटी हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक पावर प्लांट असम के कौन सी नदी के ऊपर बनाने का प्रोजेक्ट लाया वो है कोपिली नदी और ये टू थर्टी वन मिलियन डॉलर लोन एग्रीमेंट है आज का लेसन में यहाँ समाप्त करता हूँ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके उम्मीद है आप इस वीडियो को शेयर करके दूसरों को सीखने का मौका देंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग